सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 45 जोड़ों की रचाई गई शादी। विवाहित जोड़ों को सरकार की तरफ से 35,000 नगद कन्या के खाते में और 16,000 रुपये का जरूरत का सामान भी दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के PWD राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, सांसद प्रतिनिधि शक्ति प्रताप सिंह तोमर, जिलाधिकारी सुभ्रांत कुमार शुक्ला, मुख्य विकास अधिकारी अमित आसेरी ने विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। चित्रकूट सीतापुर स्थित रामायण मेला परिसर में हुआ विवाह संपन्न। वहीं लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने बताया कि सीतापुर स्थित रामायण मेला परिसर में जनपद के 45 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है, जिनमें 41 जोड़ी हमारी विधानसभा के हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र का है और कभी नगर पालिका से है, बाकी के मानिकपुर क्षेत्र के हैं। 45 जोड़ों को 51,000 रुपये दिए गए हैं, जिसमें से 35,000 लड़की खाते में जमा किया गया और 10,000 का आभूषण वस्त्र आदि बांटे गए, 6,000 व्यवस्थाओं में लग गया है। और वहीं अच्छे वातावरण के साथ फागुन माह का महीना है, बहुत ही रामलीला भवन में चित्रकूट रामायण मेला भवन में चित्रकूट जनपद के 45 जोड़ों का विवाह संपन्न हो रहा है। इसमें 41 जोड़े हमारे इस विधानसभा के हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के, एक जोड़ा करवी नगर पालिका से है और शेष 3 जोड़े मानिकपुर विधानसभा से हैं। सभी 45 जोड़ों को 51,000 रुपया सरकार व्यय कर रही है, 35,000 रुपया लड़की के खाते में जाएगा, 10,000 रुपये का उसको आभूषण और वस्त्र इत्यादि बटे मिलेंगे और 6,000 रुपया अन्य व्यवस्थाओं में व्यय होगा। आज बड़े ही अच्छे वातावरण में और ये फागुन का महीना भी है, बहुत अच्छे माह में, बहुत अच्छे समय में, बहुत अच्छी साहित्य और घड़ी में ये विवाह संपन्न हो रहा है और ये 45 जोड़े सभी आज से पत्नी के रूप में अपना जीवन प्रारंभ करेंगे। और सभी को यहाँ उपस्थित हमारे जिलाधिकारी जी, अन्य अधिकारीगण और जो हमारे सार्वजनिक जीवन वाले लोग हैं, सब लोगों ने आज उनको आशीर्वाद दिया और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही उनके जीवन के लिए उपयोगी है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की जो सामूहिक विवाह योजना है, उसी के तहत ये आज विवाह। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।